गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग, मैपिंग के अकॉर्डिंग। फंक्शन थ्री टाइप्स का होता है, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एंड ऑन्टो फंक्शन। ये बेस्ड ऑन मैपिंग के अकॉर्डिंग है। वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। मेनी वन को कुछ नहीं बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ये क्या बोलता है? एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। एवरी एलिमेंट का एक ही इमेज कोडोमेन में होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ पर दो सेट लेते हैं, एक सेट एक्स और एक सेट वाई। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4, 6, 8। और एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x। एक्स में अगर वन पुट करेंगे, एक्स में वन पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 × 1 ये 2 आएगा। मतलब x में 1 लेंगे तो y में आएगा 2, फिर सेकेंड 2 लेंगे तो सिमिलरली 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 6 और 4 लेंगे तो 8। यहाँ पर देखेंगे कि ये सेट को हम बोलते हैं डोमेन और इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उसका कोडोमेन में एक ही इमेज है, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6 और 4 का 8, एक ही इमेज है, इसलिए ये फंक्शन वन वन है। जैसे इसका नाम भी है वन वन, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज। दूसरा मेनी वन फंक्शन, मेनी वन जैसे नाम है इसका, मेनी वन, मेनी एलिमेंट का वन इमेज। एग्जाम्पल लेते हैं, दो सेट लेते हैं x और y। x में एलिमेंट लेते हैं -1, 0, 1, 2 और y में एलिमेंट लेते हैं 0, 1 और 4। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि -1 जब हम लेंगे, -1 तो -1 का स्क्वायर x स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1। सेकेंड 0, एफ 0 ये हो जाएगा 0, फिर 1 लेंगे तो 1 आएगा और 2 लेंगे तो 2 × 2 = 4, एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो -1 किससे रिलेटेड है? -1 का इमेज 1 होगा, 0 का इमेज 0 होगा, 1 का इमेज 1 और 2 का इमेज 4 मैपिंग करने पर। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि -1 और 1 इन दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है 1, तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है ऑन्टो फंक्शन। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन्टो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। एग्जाम्पल के लिए इसमें दो सेट लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स में एलिमेंट लेते हैं 1, 2, 3, 4 और वाई में एलिमेंट लेते हैं 2, 4, 6, 8। एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x। अगर 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 = 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 = 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 आएगा और 4 पुट करेंगे तो 4 × 2 = 8। यहाँ पर डेफिनेशन से आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑन्टो के लिए ये ज़रूरी है कि इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोडोमेन के सभी एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, सभी एलिमेंट को ऑक्यूपाइड होना चाहिए, भरा होना चाहिए, इधर कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ पर अगर 9 कर देता हूँ तो ये ऑन्टो नहीं होगा।
आपको ध्यान देना है कि आंटो होने के लिए को डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सब किसी न किसी का इमेज होना चाहिए। अब इस में देखेंगे कि ये फंक्शन वन वन भी है और आंटो भी है, तो जो फंक्शन वन वन और आंटो दोनों होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स वन वन एंड आंटो। कोडोमेन के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें रेंज और कोडोमेन दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो ये फंक्शन आंटो हो जाएगा। मीन्स जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में है वो सभी के सभी रेंज बन जाए तो वो फंक्शन आंटो फंक्शन कहलाता है।